बलपूर्वक लाठीचार्ज किया और आप लोगों ने देखा, और उसी के बाद की ये भर्ती है 79,000। और इसमें भी आप जब ये पूरी दुनिया जान गई है, पूरे इसके साक्षी मौजूद हैं कि 6 जनवरी को पेपर होने से पहले ही इसका एंसर की यूट्यूब पे चल रहा था, व्हाट्सएप फेसबुक पे चल रहा था, सोशल मीडिया साइट पे कन्वे हो रहा था, सर्कुलेट पूरा हो रहा था, और बावजूद उसके सरकार अभी तक इसमें जो मुख्य आरोपी हैं, जो इसके सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और जो सरकार के ही लोग हैं, उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्योंकि ये बात साफ साफ स्पष्ट सामने है कि एकदम परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव से लेकर के भाजपा सांसद और मंत्री तक के लोग इसमें शामिल है। यहीं से आपका डॉक्टर जो है कि पटेल माने इसमें गिरफ्तार होते हैं, और वो तो हम लोग मानते हैं कि एक छोटी मछली है, इससे बड़ी बड़ी मछलियां इसमें शामिल है जिनको बचाया जा रहा है। और उसकी आड़ में इस भर्ती को आनन फानन में किसी भी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और अपने चहेते लोगों को, रिश्तेदारों को, पैसे वालों को भर्ती दे करके इस मामले को रफा दफा किया जाए। तो ये प्रक्रिया बहुत ही तेजी से चल रही है, और ऐसे समय में भी जब पूरे देश में और पूरे देश की जनता पूरे विश्व के लोग वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आज देखिए कि उनकी संख्या लगभग 10 लाख के पार जा रही है, भारत में इसकी संख्या अकेले 5 लाख के पार हो गई है। आप मैंने इस बात को समझिए, लॉकडाउन चल रहा है लेकिन बावजूद उसके सरकार को इस बात की क्या जल्दी है कि वो भर्ती को एकदम जल्दी जल्दी निपटा रही है। भाई छात्र और भी चीजें डिमांड कर रहे हैं, वो इसकी सीबीआई की जांच कराने की डिमांड कर रहे हैं, आप तो उसको नहीं करा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आखिर सरकार चाहती क्या है। बहुत उम्मीद के साथ आपने हमने सभी लोगों ने वोट देकर के इसको जिताया, 2014 में भी जिताया, 17 में भी जिताया, लोकसभा और यूपी के विधानसभा में। हालत क्या है, 2 साल का अगर रोजगार मंत्रालय श्रम मंत्रालय का अगर आप डाटा देख लीजिए तो लगभग 28,000 से भी ज्यादा छात्र युवाओं ने सुसाइड कर लिया है रोजगार और शिक्षा को लेकर के, ये आंकड़ा है। और ये बेरोजगारी का स्तर है। अभी इसी इलाहाबाद में गुरुम किराया माफी को लेकर के लगातार मकान मालिक प्रताड़ित कर रहे हैं, लगातार छात्रों के ऊपर दबाव कर रहे हैं, जबकि ये क्लियर हो गया है कि गृह मंत्रालय और योगी ने, मुख्यमंत्री भी है, वो भी बोले हैं कि किराया माफ कर दे मकान मालिक, किराया नहीं ले। लेकिन इसके लिए अभी तक इन्होंने कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है। मकान मालिक सीधा ये बोल रहे हैं कि भाई तुमको रहना है तो योगी के घर में चले जाओ, अमित शाह के घर में चले जाओ, हमको किराया से मतलब है। और इस बात को लेकर के कई सारे वीडियो, कई सारे ऑडियो हम लोग के पास आ रहे हैं, मकान मालिक छात्रों को पीटे भी, ये हालत है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें और सूचित कर दें, जो भी लोग हैं अभी भी अगर इस आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं तो आप समझ लीजिएगा कि क्या होगा। डराने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग एलिजिबिलिटी के नाम पर लगातार नए नए तरीके से फिल्टर लगाया जा रहा है कि अभी भी तुम योग्य नहीं हो, अभी भी योग्य नहीं हो, तो भाई आपकी योग्यता कितनी सुंदर उनको देना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। सरकार लगातार ये झूठ बोल रही है कि हम भाई 80 करोड़ रोजगार देंगे। नमस्कार दोस्त, बस चंद मिनट आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि बात चाहे जितने लोग करें, मुश्किल चाहे जो हो, लेकिन आप सब लोग जिस भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं सहयोग करें। हम उम्मीद कर रहे थे कि सैकड़ों लोग पहुंचेंगे, लेकिन अभी नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस उम्मीद में कि आने वाले दिनों में हम और संगठित प्रदर्शन करेंगे। आज प्रदर्शन में पीएनपी पे पहुंचे हुए साथियों को बधाई देते हुए, ये बात हमारी लाखों लोगों तक जाएगी और प्रशासन तक पहुंच रही है, मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेंगे। और हम लोग आप लोगों से कह रहे हैं कि 1 मिनट में ये वीडियो सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और इस लड़ाई को तेज करेंगे, और न्याय मोर्चा के आंदोलन पे आप लोग और मजबूती से एकजुट हो जाइए ताकि हम लोग भर्ती परीक्षा रद्द करा सकें, भ्रष्टाचारियों को जेल भेज सकें
और इसकी सीबीआई जांच हो सके। इस पूरी लड़ाई में आप सबका बहुत बड़ा सहयोग जरूरी है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं, यहां आपने देखा होगा, और वो लोग हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। जो लोग डरा रहे थे, धमका रहे थे, उनको ये सबक है।